नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सनबिक क्लासेज में हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर तेरह देखेंगे जिसमें दिया हुआ सौ प्रश्नों को फुल डिटेल सोल्यूशन करेंगे तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछला अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो प्ले अलग से बना हुआ है एक बार जरूर देख कर जाएँ तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा गुण है जो चुंबक के लिए एक निश्चित परीक्षण है यानी श्योर टेस्ट है चुंबक के लिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी दोनों प्रतिकर्षण गुण और दैसिक गुण अब ये दोनों गुण है क्या तो स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक अपना अच्छ पृथ्वी के उत्तर दक्षिण की ओर रखना चाहता है यह चुंबक का दैसिक गुण है और समान चुंबक के ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण बल का कार्य करता है अगला प्रश्न है कि Cu का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निम्न में से कौन सा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन थ्री डी टेन सी यू का परमाणु संख्या कितनी होती है तो वो 29 होता है अगला प्रश्न है कि किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तार से दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के रूप में होता है बिल्कुल सही चालक से दूरी बढ़ने पर संकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है यह भी सही है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोनों सही है जब तार में धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर जो है होती है तो बल रेखाओं में दिशा जो है वो बामबर्थ होती है और जब तार में वैद्युत धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है तो बल रेखाएं दक्षिणावर्त होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ए अवर्थ सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरिन है विद्युत ऋणात्मकता की गणना सर्वप्रथम लाइनस पॉलिंग ने किया था सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरिन की और कितना होता है तो ये तीन दशमलव नौ आठ होता है और विद्युत ऋणात्मक का मान अवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर घटता है महिलाओं में यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म को किस रूप के रूप में जाना जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजो दर्शन महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म रजो दर्शन के रूप में जाना जाता है स्त्रियों में प्रथम बार अंडोत्सर्ग अथवा ऋतुस्राव होने के रजो दर्शन कहते हैं या बारह से तेरह वर्ष की आयु में शुरू होता है रजनोवृत्ति में अंडोत्सर्ग एवं मासिक चक्र अस्थायी रूप से रुक जाता है रजनोवृत्ति जो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच होता है इसमें नारी की जनन क्षमता समाप्त हो जाती है ऋतुस्त्राप चक्र को पोजिस्ट्रॉन हार्मोन नियंत्रित करता है अगला है पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से पौधे की जड़ें ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करता है जड़ें पौधे का अबरोही अंग है तथा मूलांकुर से विकसित होता है अगला है निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है सही आंसर हो जाएगा डी एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है लार में स्लेस्म लाइसोजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एंजाइम में अल्फा एमाइलेज पाया जाता है यह एंजाइम मंड को पचाने में सहायक होता है लार ग्रंथिया प्रतिदिन डेढ़ लीटर लगभग लार का श्रवण करते हैं लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं इसके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा तो आंत से पाचित और अवशोषित बशा को ले जाता है बिल्कुल सही सी ओ टू को फेफड़ों तक ले जाता है गलत है आर बी सी को लसिका पर्व तक ले जाता है गलत है या अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है यह सही है तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा लसिका के कार्य है कि आंत से पाचित और अवशोषित बशा को ले जाना यात्रीक तरल को कोशीय बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है लसिका कोश का अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है नेक्स्ट है सोलह गुना नौ भागा चार का दो बटा तीन गुना नौ माइनस छः माइनस दो गुना तीन भागा चार का एक बटा दो का मान क्या होगा तो ये बोर्ड मास से है इसे हल कर दिएगा तो सोलह गुना नौ गुना आठ हो जाएगा बटा तीन गुना तीन माइनस दो गुना तीन भागा दो हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा तीन ऑप्शन ए सही हो जाएगा एक साइकिल चालक दो घंटे और तीस मिनट में बीस मील और एक घंटे पंद्रह मिनट में दस मील की यात्रा करता मील प्रति घंटे में औसत चाल की गणना करें। तो डी बराबर है कितना बीस मील और टी बराबर है कितना तो टी बराबर है दो घंटा तीस मिनट यानी दो घंटा प्लस तीस बटा साठ बराबर दो दशमलव पाँच घंटा हो जाएगा अब इसी तरह डी टू जो है वो कितना है दस मील है और टी टू जो है एक घंटा पंद्रह मिनट एक प्लस पंद्रह बटा साठ यानी एक दशमलव दो पाँच घंटा तो औसत चाल बराबर क्या होगा औसत चाल बराबर हो जाएगा बीस प्लस दस बटा दो दशमलव पाँच प्लस एक दशमलव दो पाँच यानी तीस बटा तीन दशमलव सात पाँच आंसर हो जाएगा आठ मील जो होगा प्रति घंटा ऑप्शन सी तीन संख्याओं का 120, 240 और चार का लघुत्तम समा क्या होगा तो लघुत्तम समा निकाल दीजिएगा किस तरह निकालते हैं तो 120, 240, 480 सौ कीजिए यहाँ पर अगर हम 120 से डायरेक्टली करते ताकि शॉर्ट होगा एक दो और ये चार हो जाएगा इसे दो से करेंगे तो एक, एक दो होगा 120 सौ बीस गुना दो गुना दो कितना हो जाएगा चार आंसर तो हमारे पास कितना आ जाएगा वो है चार सौ अस्सी सी हो जाएगा नेक्स्ट है एक वस्तु की अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से पैंतालीस परसेंट अधिक अंकित किया गया है यदि उस वस्तु को बेचकर सोलह परसेंट लाभ अर्जित किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा अब माना कि जो है क्रय मूल्य है वो सौ रुपया मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना किया जाता है अंकित मूल्य पैंतालीस परसेंट बढ़ाया जाता है तो यानी एक सौ पैंतालीस रुपया कर दिया जाता है अब विक्रय मूल्य कितना है जिसमें बेचा गया है तो 16 परसेंट का लाभ हुआ एक सौ में तो छूट कितना दिया गया है एक सौ पैंतालीस था 116 में जो है वो बेचा गया यानी उनतीस रुपये का छूट दिया गया अब उनतीस रुपया का छूट किस में दिया गया 145 एक सौ पैंतालीस पर जिसपे अंकित मूल्य पे है उस पर निकाल दीजिए हमारे पास आ जाएगा 20 परसेंट ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट है पचपन सौ बयालीस और इकसठ को बड़ी से बड़ी संख्या एक से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेषफल प्राप्त होता है तो x का जो है मान खाली स्थान के बीच में क्या होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे सन्तावन सौ पचपन माइनस पचपन सौ बयालीस बराबर ये हो जाएगा दो सौ तेरह इकसठ सौ इक्यासी माइनस सन्तावन सौ पचपन करते हैं तो ये चार सौ छब्बीस होता है और इकसठ सौ इक्यासी में पचपन सौ बयालीस करते हैं तो ये छः सौ उनचालीस होता है तो अभीष्ट संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना दो सौ तेरह चार सौ छब्बीस और छः सौ उनचालीस इसका क्या कर दीजिए मसा लीजिए वही आ जाएगा तो मसा जो होगा वो कितना होगा दो सौ तेरह होगा यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो किसके बीच में दो सौ से दो सौ बीस के बीच में आंसर ए हो जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी तो यहाँ पर देखिए अट्ठाईस सौ अस्सी से अगर हम भागा दे रहे हैं किससे छः से तो ये चार सौ अस्सी आ जा रहा है और इसको भागा दे रहे हैं पाँच से तो ये छियानवे आ जा रहा है और छियानवे को भागा आप किससे देंगे चार से क्योंकि एक एक घटते से दे रहे हैं तो ये कौन सा आ जा रहा है चौबीस आ रहा है चौबीस और चौबीस को फिर से भागा अगर हम देंगे तीन से तो आठ आ जाएगा जा आठ में से भागा देंगे दो से तो चार आ जाएगा जा यानी आंसर हमारे पास होगा वो ए होगा नेक्स्ट है निश्चित कूट भाषा में स्क्वायर को इस तरह लिखा जाता है सर्किल को इस तरह तो इक्वेट को कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए एस क्यू यू ए आर ई को लिखा गया है क्या यू क्यू एस ई आर ए लिखा गया है एस को क्या किया गया है यहाँ रखा गया है क्यू को डायरेक्ट बीच में यू को यहाँ ए को यहाँ आर को बीच में ई e को यहाँ यानी तीर्थ तिरछे तिर्थेस, लिखा गया है उसी तरह अगर हम इक्वेट को करेंगे तो क्या हो जाएगा यू यहाँ हो जाएगा क्यू ए होगा ई e होगा उसके बाद ई e आएगा उसके बाद टी होगा और ये जो होगा हमारे पास वो ए होगा आंसर तो जो हमारे पास आएगा कौन सा होगा बी होगा दिए गए दिए गए विकल्प में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है तो यहाँ देखिए जी से ए गया है माइनस है ए से यू गया है माइनस है और यू से माइनस अगर छ जाता है तो हमारे पास जो आता है वो कितना आएगा ओ आएगा एस से एम गया है एस से एम गया ये भी माइनस छः एम से जी गया है माइनस छः और जी से माइनस छः करेंगे तो ए आएगा क्या आएगा ए आएगा दो तो हमारे पास आ गया तीसरा रहा एल से ओ गया है तो यहाँ पर प्लस तीन गया है और ओ से आर गया है तो ये भी प्लस तीन तो आर से प्लस तीन जाएंगे तो क्या होगा यू होगा तो ओ ए यू मिल गया हमारे पास आंसर तो हो जा रहा है कौन सी इससे ही आ रहा है नेक्स्ट है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए तो दो चिन्हों को किसको बदलना चाहिए तो अगर आप भागा और गुना को बदल दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण को आइए लिखते हैं साठ गुना तीन भागा बीस माइनस पंद्रह प्लस बारह बराबर छः आना चाहिए आंसर तो हमारे पास बी होगा अंग्रेजी शब्द कोश में किस तरह आएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पहले जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा अंडर स्टूड लिखाएगा और लास्ट में जो लिखाएगा वो है यूनिवर्स लिखाएगा हाल ही में भारत को किस रोग के रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए द मिजल्स एंड रूबेला द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खसरा और रूबेला दोनों बीमारी के लिए ए और बी दोनों के लिए खसरा और रूबेला एक विषाणुजनित रोग है सत्रह से बीस 20 जनवरी 2024 तक नोवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद में किया गया प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधा परिवर्तन किसके द्वारा होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश सेलो द्वारा होता है प्रकाश सेलो में सेलेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघटन में जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दो भागों में टूट जाता है विद्युत अपघटन के नियम फैराडे ने दिया था अगला है डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो किस प्रक्रम के लिए होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए होता है वह उष्मा गति की प्रक्रिया जिसमें तापमान नियत नहीं रहता है तीव्र गति से संपन्न होता है रुद्रोष्म प्रक्रिया कहते हैं इसमें जो है पी भी गामा जो है वो नियत रहता है पी भी गामा जो है वो क्या रहता है नियत रहता है फराडे के विद्युत अवघटन इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम संबंधित है फराडे का जो है वो विद्युत अवघटन के नियम संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा सी प्रतिफल के तुल्यांकी भार से किसी विद्युत अवघटन घट गट में प्रवाहित धारा के कारण कैथोड पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश का समानुपाती होता है यानी एम म्यू क्यू होता है यानी एम बराबर होता है जेड क्यू जहाँ जेड जो है वो क्या है वो है रासायनिक तुल्यांक है अगला है एम द्रव्यमान का कोई पत्थर मुक्त रूप से उर्ध्वाधर डी दूरी तक गिरता है इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में कमी कितनी होगी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हो जाएगा सी एम जी डी होगा कितना होगा एम जी डी होगा द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना पृथ्वी की ऊंचाई लघुत्तम तिरंग धैर्य शॉर्टेस्ट बेवलेंथ किसकी होती है सही आंसर हो जाएगा ए गामा किरणें की गामा किरणों की आवृत्ति एवं ऊर्जा अत्यधिक होती है एक्स किरणों को, को खोज जो है वो रोडचिन ने किया था नेक्स्ट है यदि एक कार तीन दशमलव दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो बीस सेकेंड बाद उस कार का वेग क्या हो जाएगा तो कार का त्वरण कितना है तीन दशमलव दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है टी जो है वो कितना समय लगा रहा है बीस सेकेंड प्रारंभिक बेग यू कितना है जीरो है तो भी बराबर होगा यू प्लस ए टी यू जीरो है प्लस तीन दशमलव दो गुना बीस ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा चौसठ मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्विक सिल्वर किसे कहते हैं क्विक सिल्वर और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी को कहते हैं क्विक सिल्वर और एफी को एफ को क्या कहते हैं मूर्खों का सोना फॉल्स गोल्ड कहते हैं आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहते हैं सफ़ेद सोना में प्लेडियम प्लेटिनम चांदी या निकल के साथ रेडियम के लिए चढ़ाई जाती है कोयला को काला हीरा कहा जाता है नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन कार्बन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है अगर पिटवा लोहा की बात करें तो यह लगभग लोहा का शुद्ध रूप है इसमें जो कार्बन का मात्रा होता है वो जीरो दशमलव एक दो परसेंट से लेकर जीरो दशमलव दो पाँच परसेंट तक होता है किसमें तो पिटवा लोहा में अगला है समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि तीन वर्षों के बाद नौ हज़ार छत्तीस और सात वर्षों के बाद ग्यारह हज़ार चार सौ चौरासी हो जाती है उसी धनराशि का उसी ब्याज पर तीन पूर्णांक एक वटा तीन वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा तो चार वर्षों का निकाल लीजिए प्रश्न से चार वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा ग्यारह हज़ार चार सौ चौरासी माइनस नौ सौ छत्तीस यानी चौबीस सौ अड़तालीस हो जाएगा तो दस बटा तीन वर्षों का क्या हो जाएगा वर्षों का साधारण ब्याज साधारण ब्याज हो जाएगा चौबीस सौ अड़तालीस बटा चार गुना दस बटा तीन यानी बीस सौ चालीस हो जाएगा आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी त्रिभुज एम एन ओ जो त्रिभुज है एम एन ओ में कौन एन बराबर है कौन क्या है ओ है यहाँ अगर एम है यहाँ एन है और ये ओ है अब कह रहा है कि यहाँ से अगर कोई एक डालते हैं यहाँ पर पी लिख देते हैं तो कौन एन बराबर कौन एन बराबर कौन ओ है तो एन ओ बराबर क्या होगा बारह सेंटीमीटर ये जो है वो बारह सेंटीमीटर एम ओ बराबर है दस सेंटीमीटर और एम पी शीर्ष लम्ब है तो एम पी की लंबाई क्या होगी तो त्रिभुज जो है एम ओ एक समिवाहु त्रिभुज है समदिवाहु त्रिभुज में असमान भुजा के सामने वाले सिर से उस भुजा पर डाला गया लम्ब उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है यानी हमारे पास जो है ओ पी बराबर क्या हो जाएगा ओ पी बराबर हो जाएगा कितना ओ पी बराबर हो जाएगा छः सेंटीमीटर अब एम पी हमारे पास जो है वो निकालना है एम तो कितना हो जाएगा अंडर रूट दस के स्क्वायर माइनस छः के स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा सौ माइनस छत्तीस बराबर कितना हो जाएगा ये चौंसठ अंडर रूट में तो ये आठ आ जाएगा तो यानी आंसर जो तो हमारे पास आएगा आठ सेंटीमीटर निम्नलिखित बंटन का माध ज्ञात कीजिए निम्नलिखित बंटन का माध ज्ञात कीजिए तो माध बराबर फार्मूला होता है सिगमा एफ एक्स बटा सिगमा एफ़ यानी हमारे पास आ जाएगा दस गुना सत्रह प्लस तीस गुना अट्ठाईस इन दोनों को गुना किया गया है और सबको जोड़ा गया है पचास गुना बत्तीस प्लस सत्तर गुना चौबीस और उसके बाद प्लस नब्बे गुना उन्नीस होगा उसके बाद सिग्मा एफ़ एफ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एफ है और ये जो क्या है एक्स है तो एफ कर दीजिए जोड़ के सत्रह प्लस अट्ठाईस प्लस बत्तीस पलस 24 पलस 19. तो एक एक प्लस चौबीस प्लस उन्नीस तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा छः हज़ार बटा एक सौ बीस बराबर पचास आंसर ऑप्शन टी हो जाएगा समीकरण एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है माइनस क्या है ये आठ है आठ बराबर दो इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है प्रश्न में दिया हुआ एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस आठ बराबर दो गुना एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस तीन चार और सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस आठ बराबर दो कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस नौ हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस आठ माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस अट्ठारह इक्वल टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस दस इक्वल टू जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस दस बराबर जीरो अब यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए निकाल देंगे ये होगा माइनस तीन के स्क्वायर माइनस चार गुना वन गुना माइनस दस हो जाएगा नौ प्लस चालीस यानी उनचास जो कि डी जो है ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगा मूल वास्तविक होगा और असमान होगा मूल जो है वास्तविक और असमान होगा आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट है ए एक कार्य को चार दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे आठ दिनों में कर सकता है ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक दिन ए और दूसरे दिन बी कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ए कितने दिनों में करता है चार दिनों में और बी जो करता है वो कितना है आठ दिनों में और चार और आठ का एल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा तो वो आठ आ जाएगा इसका जो रेशियो है वो कितना होगा एक होगा इसका क्षमता दो होगा अब अल्टरनेट कार्य करता है यानी दो प्लस एक दो दिन में कितना कार्य होता है तीन कार्य होता है तो हमें दो दिन चार दिन तो लगेगा ही चार दिन लगेगा तो कार्य कितना हो गया छः हो गया अब बचा कितना आठ माइनस छः तो कितना है दो कार्य बचा जिसे वो एक का दिन का एक का पारी आ गया तो एक कितना दो है उसे भागा देंगे यानी टोटल जो तो 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 हमें लगेगा कितना दिन तो, तो पाँच दिन कार्य लगेगा कार्य कितना दिन पूरा किस तरह आइए इस तरह भी समझिए ए बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा एक का क्षमता दो हुआ अब बी का एक हुआ फिर दो फिर एक और फिर दो दो, दो चार दो छः दो आठ आ गया तो इतना ही कार्य था कितना आठ तो कितने दिन हो गया एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन और पाँच दिन आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है यहाँ देखते हैं कि किस तरह है कि 104 को भागा दे देंगे 13 से तो हमारे पास आ जाएगा 8 उसी तरह अगर हम एक सौ को कितना है एक को भागा दे देंगे इस इक्कीस से तो ये भी आठ आ रहा है तो अब कितना में x में दो सौ सैंतीस कितना है सॉरी सैंतीस है दो सौ सैंतीस में सैंतीस में भागा देंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए आठ x बराबर हो जाएगा कितना तो हो जाएगा सैंतीस गुना आठ आठ सत्य छप्पन के छः बाकी पाँच अठारती चौबीस पाँच उनतीस दो सौ छियानवे आंसर हो जाएगा ए अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का सभी जो मोबाइल है अगर ये मोबाइल है तो कह रहा है कि सभी जो मोबाइल है वो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर हो जाएगा उसके बाद कुछ कंप्यूटर जो है वो फर्नीचर है कुछ कंप्यूटर जो है वो क्या है फर्नीचर है फर्नीचर है और कुछ फर्नीचर जो है वो क्या है टेबल है कुछ फर्नीचर जो है वो टेबल है यहाँ से सॉल्व करना है निष्कर्ष निकालना है कुछ टेबल जो है वो कंप्यूटर है गलत है कुछ मोबाइल फर्नीचर है गलत है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है दिए गए में आकृति को चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छ मित्र है के एल एम एन एस और पी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की के ओर मुख करके बैठे हैं पी जो है एस के बाई और तीसरे स्थान पे है पी जो है एस के बाई और एस के बाई और तीसरे स्थान पे, यानी दो लोग यहाँ पर और बैठे हुए हैं के एस के बाई और ठीक बगल में बैठे हुए हैं यानी के यहाँ पर मिल गया बैठे हुए हैं के और एल एक दूसरे के सामने बैठे हैं के और एल जो है एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद कर एम एस के दाई और ठीक बगल में बैठे हुए हैं एम जो है वो क्या है एस के दाई और ठीक बगल में बैठा है तो अब बचा कौन सा यहाँ तो यहाँ जो बचा वो है एन तो एम के सामने कौन बैठा हुआ है तो एम के सामने बैठा हुआ है वो है एन ऑप्शन बी हो जाएगा दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम एन पर रखा जाए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिट्टन ने पेश किया अठारह में लिट्टन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया पाइनियर अखबार ने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट अठारह को समर्थन किया था नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जैसे परिवहन संचार बैंकिंग बीमा भंडारण व्यापार सामुदायिक सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे रूप में प्राप्त किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है जैसे कृषि वानिकी पशुपालन मत्स्य खनन उत्खनन और द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों से कच्चे माल की तरह उपयोग करता है जैसे लोहा इस्पात उद्योग वस्त्र उद्योग वाहन इलेक्ट्रॉनिक आदि नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है आंसर हो जाएगा डी डाल्टन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है हो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण जो है वो बोहलर ने किया था और यूरिया का सूत्र जो होता है वो कितना होता है एन एच टू सी ओ एन एच टू होता है अगला प्रश्न है कि एक्स और बाई गैसों के घनत्व का अनुपात सात अनुपात आठ है तो इनके अनुभारों का अनुपात क्या होगा तो घनत्व बाष्प घनत्व बराबर होता है क्या अनुभार अनुभार बटा टू होता है यानी तो टू अनुभार होता है तो एक्स बटा बाई बराबर सात बटा आठ आंसर हो, तो हो जाएगा सेम ही तो बी सात दशमलव आठ तालाब का रेशम सिल्क किसका सामान्य नाम है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्पायरो गायरा का स्पायरो गायरा का ही सामान्य नाम तालाब का रेशम है स्पायरो गायरा एक सैबाल है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है स्पायरो गायरा पौधा एक सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है जो जल के ऊपरी सतह पर तैरता रहता है इसे पॉन्ड सिल्क, सिल्क भी कहते हैं बॉल बॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और इसका आंसर हो जाएगा ओ आर एस घोल अतिसार एवं आंत्र शोध में लाभदायक होता है हाइजा एक जीवाणुजनित रोग है जो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है हाइजा का मनुष्यों में संचरण दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है नेक्स्ट है एजेंट ऑरेंज निम्न में क्या है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खरपतवार नासी एजेंट ऑरेंज एक खरपतवारी नासी है एजेंट ऑरेंज 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान बनों और फसलों को खत्म करने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया गया एक शक्तिशाली तीर्ण है अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना का कारण कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण होता है फैराड़े ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया है किसी कुंडली के आगे पीछे चुंबक को गति कराते हैं तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है अगला है इनमें से कौन सा विद्युत हमेशा इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य पर स्थित होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा तो वो है वक्रता केंद्र और ध्रुव और एक और तीन दोनों एक लंबी धारावाहिक परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिनालिका के अंदर एक समान होगा यदि कोई दुकानदार 10 परसेंट की छूट देता है और उसे 10 परसेंट का लाभ होता है समान स्थिति में यदि वह 25 परसेंट की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा तो जो नया विक्रय मूल्य होगा नया विक्रय मूल्य होगा कितना एक सौ दस परसेंट गुना सौ माइनस पच्चीस बटा सौ माइनस दस तो यह हो जाएगा एक सौ दस गुना पचहत्तर बटा नब्बे ये हो जाएगा इक्यानवे दशमलव छः सात परसेंट तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा कितना तो सौ माइनस इक्नवे दशमलव छः सात परसेंट यानी आठ दशमलव तीन तीन परसेंट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अगला है जब सात नौ ग्यारह और पंद्रह प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती है घटाई गई संख्या क्या होगा अगर सात माइनस ए करते हैं अनुपात हो जाएगा नौ माइनस ए समानुपात जो हो जाएगा ग्यारह माइनस ए ये हो जाएगा पंद्रह माइनस ए आइए इसे करते हैं इससे इसे, इसे करते है, तो गुना करते हैं तो सात माइनस ए गुना पंद्रह माइनस ए समानुपात हो जाएगा नौ माइनस ए गुना ग्यारह माइनस ए जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना टू ए बराबर सिक्स ए बराबर हो जाएगा छः बटा दो यानी तीन हो जाएगा तो घटाई गई अभी संख्या कितना आंसर आएगा वो होगा ए तीन अगला प्रश्न नीचे दिया गया वृत्त चित्र एक वर्ष में आठ शहरों की जनसंख्या को दर्शाता है इन सभी आठ शहरों की कुल जनसंख्या तीस हज़ार है एक विशिष्ट शहर में जनसंख्या को इन सभी आठ शहरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है तो C3, C5 और C7 शहरों की औसत जनसंख्या क्या होगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा C3, C5 तथा C शहरों की औसत संख्या किस तरह है? तो तीस हज़ार जो है गुना आठ परसेंट प्लस पाँच परसेंट और प्लस तीन परसेंट बटा कितने शहर का है तो तीन शहर का तो हो जाएगा दस हज़ार गुना सोलह बटा कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा दस हज़ार इसलिए हुआ कि तीन से भागा हो गया और आठ पाँच कितना हुआ तेरह तीन सोलह परसेंट अब परसेंट है तो इसे सौ से भागा देंगे तो सिंपल लाने के लिए जनसंख्या तो कितना हो जाएगा सोलह सौ सो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यदि से का स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर चार बटा सत्रह है तो शे का ए फोर ए माइनस टेन फोर ए का मान क्या होगा तो शे स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर चार बटा सत्रह तो से फोर ए माइनस टेन फोर ए पूछ रहा है इसे लिख सकते हैं सेक्वायर ए के होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर इसे और सिंपल करेंगे तो सेक्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू सेक्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए यानी एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो से स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए कितना दिया हुआ है चार बटा सतराह से का स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान एक होता है तो ये हो जाएगा चार बटा सत्रह ही आंसर हो जाएगा डी यदि एक्स बराबर रूट पाँच माइनस दो बटा रूट पाँच प्लस दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर माइनस दो का मान क्या होगा तो यहाँ ऊपर नीचे से रूट फाइव माइनस टू से गुना कर दीजिए एक्स बराबर हो जाएगा रूट फाइव माइनस दो बटा रूट फाइव प्लस दो गुना कर दीजिए रूट फाइव माइनस दो बटा रूट फाइव माइनस दो ऊपर वाला हो जाएगा अंडर रूट फाइव माइनस दो के होल स्क्वायर बटा रूट फाइव के होल स्क्वायर माइनस दो के स्क्वायर यानी नौ माइनस चार बटा रूट पाँच तो वन बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो नौ प्लस चार रूट पाँच प्रश्न में पूछ रहा है कि कम से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो उससे पहले हमको निकालना होगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का तो ये हो जाएगा नौ माइनस चार रूट पाँच प्लस नौ प्लस चार रूट पाँच इक्वल टू ये 18 हो जा रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला जानते हैं कितना अट्ठारह स्क्वायर माइनस दो कर देंगे तो ये तीन सौ चौबीस माइनस दो बराबर तीन सौ बाईस ये इसलिए लाए कि एक होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस दो इस फार्मूला से लाया गया है आंसर हो जाएगा तीन सौ चौबीस माइनस दो तीन सौ बाईस आंसर बी हो जाएगा कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है आइए सॉल्व करते हैं सभी जो बिस्तर है वो सभी बिस्तर क्या है वो टेबल है सभी बिस्तर जो है वो टेबल है ये टेबल है और ये बिस्तर है उसके बाद कह रहा है कि सभी खाट जो है वो टेबल है सभी खाट भी जो है वो टेबल ही है ये खाट हो जाएगा और सभी टेबल जो है वो क्या है तो सभी टेबल जो है वो नल है सभी टेबल जो है वो नल है निष्कर्ष में आइए देखते हैं सभी खाट नल है बिल्कुल सही सभी नल टेबल है ये भी सही कुछ बिस्तर खाट है ये गलत है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षकों को निरूपित करता है त्रिभुज नर्तकों को निरूपित करता है आयत लेखकों को निरूपित करता है तो दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसके बाद दिए गए निम्न प्रश्न का उत्तर दें उन शिक्षकों की संख्या कितनी है जो लेखक तो है किंतु नर्तक नहीं है तो आंसर हो जाएगा कौन सा ये दस ऑप्शन ए हो जाएगा अगला प्रश्न है कि एक परिवार में दो युगल हैं क्या है दो युगल है कोमली के दो बच्चे हैं कोई कोमली हैं उनके दो बच्चे हैं उसके बाद है मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है कोई मधुरिमा है मधुरिमा है और ये पत्नी है किसकी तो ओम प्रकाश की किसकी ओम प्रकाश की अब कह रहा है कि ओम प्रकाश की पत्नी है जो कि मनी का भाई है मधुरी ओम प्रकाश की पत्नी है जो मनी का भाई है तो ओम प्रकाश किसका भाई है तो ये मनी का क्या है भाई है अब उसके बाद कह रहा है कि पिंकी कोमली की बेटी है कोमली की एक बेटी है कौन है पिंकी है और कोमली के दो बच्चे यानी एक और लड़का भी होगा उर्मिला संजू की बहन है उर्मिला जो है वो संजू की बहन है और जो कि ओम प्रकाश का बेटा है ओम प्रकाश का बेटा कौन हो गया संजू हो गया और इसकी जो बहन है वो कौन है उर्मिला है ये हो जाएगा बहन और ये हो जाएगा बेटा अब कह रहा है तरुण मणि का बेटा है मणि का जो बेटा है वो क्या है कौन है तो तरुण है तरुण मणि का बेटा है जो कि एक पुरुष है तो मधुरमा की कोमली से क्या है तो दो युगल भी तो है परिवार में तो मनी और कोमली भी पति पत्नी है है पति पत्नी है अब उनके दो कोमली के बेटा बेटी हो गए दो बच्चे तरुण और एक पिंकी अब पूछ रहा है कि मधुरमा का कोमली से क्या संबंध है मधुरमा का कोमली से तो आंसर हो जाएगा कि जेठानी देवरानी है दोनों क्योंकि ओम प्रकाश अम्बनी दोनों भाई है दोनों की पत्नी मधुरमा और कोमली है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौन सा ए दी गाय कीर्ति में त्रिभुजों की संख्या बताइए और इसका सही आंसर हो जाएगा सी अठारह नीचे चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी संदर्भ में एक समान है और एक असंगत है तो असंगत को पहचानते हैं पहचानिए है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अठहत्तर को तीन से गुना करके आप पाँच जोड़ दें तो दो आ जा रहा है 107 को अगर हम तीन से गुना करते हैं पाँच जोड़ते हैं तो क्या आ जा रहा है 326। 101 को तीन से गुना करके पाँच जोड़ते हैं तो 308 आ जा रहा है और छियासठ को तीन से गुना करके माइनस एक करते हैं तब आता है एक सौ संतानवे तो हमारे पास जो अलग पैटर्न पे कौन सा है वो है डी भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है आंसर हो जाएगा डी फ्रांस के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की पत्ती आयरलैंड के संविधान से लिया गया है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी टेम्पल प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है विचलन कोण खाली स्थान होता है आंसर हो जाएगा बी तिरंग धैर्य के व्यकर्माणुपाती होता है किसके तिरंग धैर्य के व्युकर्माणुपाती होता है लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है सही जवाब हो जाएगा बी लेड आयोडाइड बनता है रिएक्शन देख लेते हैं पी वी एन ओ थ्री के होल्ड प्लस टू के आई ये बनता है पी वी आई टू प्लस टू के एन ओ थ्री बनता है तो आंसर हो जाएगा कौन सा लेड आयोडाइड बी इस अभिक्रिया में लेड आयोडाइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में दो बार आयनों का विस्थापन होता है नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है मेंडलिप के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं यह गलत है मेंढलिव के आवर्त सारणी में ये कथन गलत है कि उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं मेंडलिप के आवर्षा परमाणु भार पर आधारित है संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में सही कथन का चयन करें आंसर तो हो जाएगा डी समीकरण के दोनों और द्रव्यमान समान होना चाहिए क्या होना चाहिए समान अगर C प्लस ओ टू सी टू हो रहा है तो C 12 ग्राम है O2 32 ग्राम तो सी टू कितना होगा 44 ग्राम तो आंसर हो जाएगा डी जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम से पोटेशियम डाइक्रोमेट्स के टू सी आर टू ओ सेवन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एथेनोई अम्ल क्या प्राप्त होता है अम्ल प्रथम चरण में इथाइल अल्कोहल स्टील डिहाइड में ऑक्सीकृत होता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच जब ये स्टीफाइड किसके साथ के टू सी आर टू ओ सेवन के साथ रिएक्शन करता है तो सी एच थ्री सी एच ओ प्राप्त होता है और दूसरे चरण में सी एच थ्री सी एच ओ यानी स्टील डिहाइड इथेनल ऑक्सीकृत होकर इथेनोइक अम्ल या स्टिक अम्ल देता है दूसरे चरण में अगर के टू सी आर टू ओ सेवन एस डिफाइड होता है तो ये सी एच थ्री सी डबल ओ एच प्राप्त होता है आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए इथेनोइक अम्ल प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है आंसर हो जाएगा बी सी एस ओ फोर की दो सूत्र इकाई जल का एक अनु साझा करती है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है टू सी एस ओ फोर इन टू एस टू ओ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है दीवारों पर डिजाइन ढांचा या सैंपल बनाने में हड्डियों को जोड़ने में फायर प्रूफिंग में और विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करने में दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एफ ई एस यहाँ ए से एफ ई में जा रहा है एफ में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या विक्रिया के बाद बढ़ती है जिसके कारण एफ का ऑक्सीकरण हो रहा है निम्न में कौन सी एक से बीस तक अंकों में अभाज अंक श्रृंखला है तो अगर एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी से भाग नहीं लगे अभाज्य संख्या कहलाता है तो दो होगा तीन होगा पाँच है सात है ग्यारह है तेरह है सत्रह है उन्नीस है इतना जो है वो एक से बीस तक के अभाज्य संख्याएं हैं आंसर हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा संख्याएं तीन एक एक पाँच दो और सात की माध्यिका क्या होगा तो यहाँ पर कितनी संख्या दिया हुआ है छः दिया हुआ है तो माधिका बराबर जो होता है वो क्या होता है एन बाई टू पद बाई प्लस एन बाई टू प्लस वन पद बटा दो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या दिया हुआ है लेकिन उससे पहले इसे आरोही क्रम में सजाना मत भूलिएगा एक, एक दो तीन पाँच सात इस तरह पहले आरोही क्रम में सजा लेना होगा तो यहाँ से छठा छः बटा दो यानी तीसरा पद कौन सा हो गया तो वो हो गया दो हो गया तीसरा पद यहाँ पर कौन हो गया तो दो हो गया तो दो लिख दिए उसके बाद कह रहा है कि एन वाई टू प्लस एक यानी चौथा पद चौथा पद यहाँ कौन सा हो गया तीन हो गया तो दो प्लस तीन बटा दो पाँच बटा दो दो दशमलव पाँच आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर जीरो के दो असमान और वास्तविक मूल हो तो के का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा अगर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, एक के बराबर जीरो तो दो भिन्न वास्तविक और असमान होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो तो यानी के स्क्वायर माइनस फोर के ग्रेटर देन जीरो के कॉमन लेंगे के माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो के ग्रेटर देन फोर तथा के जो है लेस देन जीरो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व कौन सी भिन्न है जिसे जब एक बटा दो से घटाया जाता है तो इसका मान दो बटा तीन प्राप्त होता है एक बटा दो से अगर एक से घटाएंगे तो मान दो बटा तीन, तो तीन प्राप्त होगा एक्स का मान निकल जाएगा माइनस एक बटा छः यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10 परसेंट की हानि हुई 20 परसेंट का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए तो कह रहा है कि वन का जो एस है वो निकल जाएगा कितना सौ रुपया हो जाएगा क्योंकि पच्चीस सौ भागा पच्चीस वावर सौ तो रुपया वन का सी जो होगा वो कितना हो जाएगा एक हज़ार बटानों क्योंकि दस परसेंट की इसे हानि हुई है कैसे हुआ है दस परसेंट की हानि हुई है 20% परसेंट लाभ कमाने के लिए क्या होगा 20% परसेंट लाभ कमाने के लिए वन का एस बराबर हो जाएगा एक हज़ार गुना एक सौ बीस बटा नौ गुना सौ कर देंगे यानी बारह सौ बटा नौ अभी तो आंसर हो जाएगा कितना तो ये हो जाएगा चौबीस सौ बटा बारह सौ और गुना नौ बराबर अठारह हमारा पास आ जाएगा आंसर अठारह वस्तु को बेचना पड़ेगा उसे 20% परसेंट लाभ कमाने के लिए दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है इसका जो सही आंसर होता है ये देखते हैं 350 में से भागा 50 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है सात आता है और उसमें अगर हम गुना कर देंगे आठ से तो ये हमारे पास ये छप्पन आ जा रहा है दूसरी कॉलम में भी वही करेंगे कि अगर एक को से इससे भागा देंगे भागा अड़तालीस और जो आएगा उसमें से आठ से गुना करेंगे तो हमारे पास बत्तीस आ रहा है ठीक तीसरे में वही करेंगे एक जो है उसको x से भागा देंगे किससे तीस से और गुना करेंगे किसे बीच वाले से अच्छा और आठ से तो बीच वाला हमें चालीस प्राप्त होना चाहिए जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना डेढ़ सौ डेढ़ सौ से तीस से भागा दीजिएगा तो पाँच बार और पाँच गुना आठ चालीस तो आंसर हो जाएगा कौन सा ए बाक्य एवं अनुमान है अध्यापिका ने कक्षा में घोषणा की कि जो संग्रहालय जाना चाहते हैं उन्हें कल दोपहर तीन बजे तक दो सौ रुपया जमा करना होगा अनुमान संग्रहालय का दौरा अनिवार्य है सभी विद्यार्थियों को दो सौ जमा करना होगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ना तो अनुमान एक और ना ही दो निहित है चलिए इस प्रश्न में संख्याओं या प्रतीकों का एक समूह नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाएगा शर्तों के अनुसार कुटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा तो इसमें जो देख रहे हैं कि दिया गया जो प्रश्न है वो कूटबद्ध करने के लिए एक विशेष नियम का प्रयोग किया गया है और वो नियम होगा कौन सा कि देखिए यदि पहला तत्व एक संख्या है संख्या और अंतिम तत्व एक प्रतीक है देखिए ये प्रतीक है तो इन दोनों के कुटों को परस्पर बदला जाना चाहिए और बदला कैसा जाना चाहिए तो इस तरह से तो यानी फाइव हैश टैग स्लैश फोर बराबर है तो इसको क्या है यदि पहला तत्व भी एक सम संख्या और अंतिम तत्व एक विषम संख्या है तो पहले अंतिम तत्व को इतना है यदि दूसरे और तीसरे तत्व दो दो पुनर् है तो तीसरे तत्व को ये दो नियम नहीं लगेगा पहला नियम ही लगेगा तो इसे यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा पाँच को बदलते हैं किससे तो बाईस है तो ये बाई हो जाएगा और बराबर को इधर लिखेंगे बराबर को किससे आर से लिखेंगे बाकी सब को ये सिंपल कर देंगे हैश को बी से स्लैस को एक से और चार को किससे लिखा गया है तो ये है बी से तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा तो वो हो जाएगा ए अगला प्रश्न है कि श्यामा बिंदु ए से बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है ए बिंदु से ड्राइव करना शुरू करता है पंद्रह किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है पंद्रह किलोमीटर फिर वह दाएं मुड़ता है और पाँच किलोमीटर ड्राइव करता है कितना पाँच किलोमीटर ड्राइव करता है दाएं और मुड़ता है और बीस किलोमीटर ड्राइव करता है अब कितना करता है बीस किलोमीटर ड्राइव करता है फिर वह दाएं और मुड़ता है और दस किलोमीटर ड्राइव करता है यहाँ से दस किलोमीटर ड्राइव करता है वह अंत में दाएँ और मुड़ता है और पाँच किलोमीटर ड्राइव करता है कितना पाँच किलोमीटर ड्राइव करता है अब बिंदु पी पर आकर रुक जाता है किस पे पी पे आकर रुक जाता है शुरू कहाँ से किया था ए पे किया था बिंदु P से एक सीधी रेखा में बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा बिंदु P पर रुकता है बिंदु P से एक सीधी रेखा यानी P से A की ओर पहुंचने के लिए तो ये पूरा की ओर जाएगा और कितने तो ये देख लीजिए ये दस है ये पाँच है तो पाँच किलोमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कथन एवं तर्क का है जंक फूड खाना सेहत के लिए लाभप्रद नहीं होता है ये कथन है जंक फूड में बसा रासायनिक योजक और सोडियम प्रचुर मात्रा में होते हैं जो मोटापे का कारण बनते हैं दूसरा सरकरा और बसा का अधिक सेवन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को मंद कर देता है जो कि अधिगम और स्मृति जैसी प्रवृत्तियों के निर्माण में सहायता होता है तो हमारे पास ये दोनों कथन जो है वो सही समर्थन कर रहा है आंसर हो जाएगा बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्लैश एंड बर्न को कहा जाता है डीपा कहा जाता है क्या है डीपा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्लाइस एंड बर्न कृषि को डीपा कहा जाता है पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को कहते हैं मिल्पा क्या है मिल्पा अब पाम ओ मणिपुर में झूम खेती को कहते हैं पेंडा आंध्र प्रदेश में झूम खेती को कहते हैं कुरूबा झारखंड में झूम खेती को कहते हैं ये सब नाम है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मामलापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु में मनाया जाता है मामलापुरम नृत्य उत्सव में भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और कत्थकली शास्त्रीय नृत्य की जाती है मामलापुरम पल्लव काल के पल्लव काल में प्राचीन बंदरगाह था मामलापुरम को महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है और मामलापुरम यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल है अगला है सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ सिक सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एस टू ओ दी गई अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया परिस्थितियों का चयन करें और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश होना और क्लोरोफिल होना जरूरी है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है इसमें प्रयुक्त सी ओ टू के कार्बन का स्वांगीकरण होता है अंतः इस क्रिया को कार्बन स्वांगीकरण भी कहते हैं प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक उपचयन अपचयन क्रिया है निम्न में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी में क्वनांक की क्रमबद्धता ग्रेडेशन के संबंध में सही है आंसर हो जाएगा डी आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वनांक में वृद्धि होती है समझातीय श्रेणी के सदस्यों को एक ही प्रकार के समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अगला है निम्न में कौन सा बसा के पासीकरण में शामिल होता है और इसका आंसर हो जाएगा डी यकृत यकृत बसा के पायसीकरण में शामिल होते हैं यकृत रस का श्रवण करता है पीत रस बसा को छोटे छोटे कलों में तोड़ता है इसे पायसीकरण कहा जाता है अगला है अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है और इसका सही आंसर हो, हो जाएगा ऑप्शन बी रसधानियों में कहाँ अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है पादपों द्वारा अपशिष्ट उत्पादों को निम्न द्वारा हटाया जा सकता है जैसे अतिरिक्त जल बाष्पो सर्जन की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है गैसीय अपशिष्ट उत्पाद रंध्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है या ठासी अपशिष्ट रस धनियों में एकत्रित हो जाते हैं जो लेटेक्स रबर या गोंद के रूप में उपयोगी होता है मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है क्योंकि आंसर हो जाएगा डी कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन यानी विकल्पी हो या दो जीन युग्म विकल्पी हो तो आंसर हो जाएगा अब कौन सा हो जाएगा डी नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक इम्यूनोग्लोब्युलिन जो मानव रक्त में पाया जाता है कौन सा है और इसका आंसर हो जाएगा डी आई जी कैपिटल जी आई जी जी एक इम्यूनोग्लोब्युल का 70 से 75 परसेंट होता है इम्यूनोग्लोब्लिन रक्त उत्को एवं अन्य शारीरिक तरल में पाया जाता है आई है वह इम्यूनोग्लोब्लिन है जो संक्रमण को कम करता है और आई जो है एलर्जी से संबंधित है आई वह इम्यूनोग्लोबुलिन है जो लार रक्त एवं म्यूकस में पाया जाता है इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हो जाएगा डी अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सबसे अधिक क्षारिय है इसका सही आंसर हो जाएगा डी एन टू ओ फाइव जो है ऑक्साइडों में सबसे अधिक क्षारीय है जेड एन ओ एल टू तो उभय धर्मी ऑक्साइड है अगला प्रश्न है कि एक प्रोटॉन पे वन बोल्ट पर त्वरित किया गया है इसकी गति ऊर्जा क्या होगी तो प्रोटॉनों की गति ऊर्जा बराबर क्या होता है आवेश गुना विभान्तर होता है क्या होता है विभवान्तर अब प्रोटॉनों की आवेश कितना एक दशमलव छः गुना दस के पावर माइनस उन्नीस अब विभांतर वन बोल्ट है तो ये हो जाएगा वन इलेक्ट्रो वोल्ट आंसर जो हो जाएगा सी एक्सक्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक सौ स्क्वायर प्लस आठ एक्स माइनस एक भागा एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर माइनस वन के पावर माइनस वन का मान क्या होगा तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या एक सौ स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर थ्री एक्स एक्स अगर कॉमन लेते माइनस वन वाई एक्स तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स एक्स माइनस वन वाई एक्स बराबर हो जाएगा कितना थ्री हमारे पास तो आ गया ये आप प्रश्न में करें एक स्क्वायर प्लस आठ एक्स माइनस वन एक्स क्यू प्लस वन वाई एक्स के पावर माइनस वन से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कर दीजिए वन प्लस आठ एक्स बटा ये नीचे चला जाएगा तो एक्स क्यू प्लस वन वाई एक्स हो जाएगा फिर यहाँ से क्या कीजिए कि एक्स कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन वाई एक्स प्लस आठ आ जाएगा और नीचे अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा अब यहाँ पर क्या कीजिए कि एक्स माइनस वन एक्स है वहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है तीन दिया हुआ है तीन यहाँ मान दिया हुआ है एक्स एक्स तो कट गया तो तीन अब प्लस आठ बटा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर यानी ग्यारह बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर आ गया ये हम लोग जानते हैं कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर तीन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है कितना तो तीन का स्क्वायर प्लस दो हो जाता है तो यहाँ पर रख दीजिएगा तीन का स्क्वायर तीन तीन नौ प्लस दो ग्यारह यानी ग्यारह बटा ग्यारह बराबर कट जाएगा कितना आ जाएगा एक आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी एक हो जाएगा अगला है प्रत्येक भुजा एक मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल पचास मीटर सत्तर मीटर और अस्सी मीटर भुजाओं वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है तो एक्स का मान किसके निकटतम होगा यहाँ पर देखिए कि कहा गया है कि एक जो है त्रिकोणीय मैदान जिसका एक्स एक है और एक त्रिकोणीय मैदान जो है उसका अगर ये पचास है ये सत्तर है तो ये अस्सी है और दोनों का जो है वो क्षेत्रफल बराबर है एक सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे मैदान का क्षेत्रफल तो जो ये होगा वो रूट थ्री बटा फोर के एक्स स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा एक्स वाला का और ये होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा तो सबसे पहले एस निकालना होगा एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा टू होता है यानी पचास प्लस सत्तर प्लस अस्सी बटा दो यह हो जाएगा सौ सेंटीमीटर यहाँ से फिर से मान बराबर करते हैं रूट थ्री बटा फोर एक्स स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट सौ गुना पचास गुना तीस गुना बीस होगा जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा कितना चार बटा रूट थ्री अंडर रूट जो होता है तीन पर कितने सुनना हो जाएगा छः सुनना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ है तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया तो चार रूट थ्री गुना एक हज़ार गुना रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री कट जाएगा तो ये चार हज़ार आ जाएगा तो एक्स बराबर मान निकल जाएगा कितना बीस रूट दस आ जाएगा यानी तिरसठ दशमलव दो सेंटीमीटर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अगला है विभिन्न वर्षों में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लोगों का प्रतिशत निम्न ग्राफ से दिखाया गया है क्या है यहाँ पर कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिशत दिखाया गया है तो उन्नीस सौ और संतानवे में, में मिलाकर कुल पैंतालीस हज़ार लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण की है यदि वर्ष छियानवे में, में कुल पच्चीस हज़ार लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी है तो संतानवे में, में कितने लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी थी तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि उन्नीस में उन्नीस में कितने लोग उत्तीर्ण हुआ तो हो जाएगा पच्चीस का कितना साठ दिया हुआ है यहाँ पर देखिए साठ परसेंट साठ बटा सौ यानि पंद्रह हज़ार जो है उत्तीर्ण है तो उन्नीस सौ सन्तानवे में, में कितना उत्तीर्ण हुआ तो टोटल पैंतालीस हज़ार में से पंद्रह हज़ार घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तीस हज़ार लोगों ने उत्तीर्ण हुआ और ये कितना परसेंट है उन्नीस सौ सन्तानवे तो ये पचास परसेंट है तो सौ परसेंट लोगों ने क्या हुआ होगा एग्ज़ाम दिया होगा तो कितना हो जाएगा साठ हज़ार लोगों ने कितना साठ हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतासी के स्क्वायर और अट्ठासी के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं जो है वो वर्ग नहीं है तो ये हो जाएगा अट्ठासी के स्क्वायर माइनस सतासी के स्क्वायर आप माइनस एक कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लगा दें अट्ठासी माइनस सत्तासी इंटू अट्ठासी प्लस सतासी माइनस एक कर दीजिए यह हो जाएगा एक गुना एक सौ पचहत्तर और गुना सॉरी सो, माइनस भी होगा माइनस एक बराबर एक सौ चौहत्तर सही आंसर हो जाएगा कितनी संख्या है वर्ग नहीं है तो एक सौ चौहत्तर यदि पाँच के पावर एन प्लस टू बराबर इकतीस सौ पच्चीस है तो एन का मान क्या होगा प्रश्न में कर रहा है कि पाँच के पावर एन प्लस टू बराबर इकतीस सौ पच्चीस है तो पाँच के पावर एन प्लस टू बराबर लिख सकते हैं ये पाँच के पावर पाँच है तो एन प्लस टू बराबर पाँच इक्वेट कर दीजिए एन बराबर हो जाएगा कितना तीन आंसर हो जाएगा एन के मान तीन ऑप्शन डी शब्द जो है कॉन्वर्ट्स आगे और पीछे दोनों दिशाओं से में अक्षरों के ऐसे कितने युग में हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है तो सबसे पहले तो ओ एन में है उसके बाद किस में है तो ओ और टी में ओ और टी का भी है और किस में है एन और एस में भी है एन और एस में भी उतने अक्षर है तो हमारे पास क्या मिल जा रहा है एक और जो होगा टी और एस में भी है कितना टी और एस तो आंसर होगा ऑप्शन सी चार पंचानवे नंबर है बेंगलुरु में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं कार्यवाही ऐसे विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए दूसरा ऐसे विद्यालय को बंद कर देना चाहिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए केवल एक सही है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए शाम के समय एक व्यक्ति इस तरह खड़ा था कि उसकी छाया उसकी बाई ओर थी किधर थी तो उसकी छाया जो है उसकी बाई ओर थी तो उसके सामने की ओर कौन सी दिशा थी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी दक्षिण दिशा अगर रहेगा तो उसकी जो शाम की छाया है पानी ओर पड़ेगा तर्क है कि शहर एक्स में लोग बजाज के बजाय होंडा मोटरसाइकिल खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि होंडा कंपनी जापानी तकनीक का उपयोग करती है मान्यताएँ यदि बजाज जापानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी बिक्री भी होंडा कंपनी के समान होगी शहर एक्स में दूसरे मोटरसाइकिलों के तुलना में जापानी तकनीक वाले मोटरसाइकिल पसंद किए जाते हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल मान्यता दो जो है वो निहित है अंठानवे फिगर वाला प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए चंद्र चट्टोपाध्याय है चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन गार्डन आदि पुस्तकें के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं कमाइनी आंसू लहर पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्टॉर्टिंग नॉर्वे की संसद को क्या कहते हैं स्टार्टिंग कहा जाता है अगर जर्मनी की संसद की बात करें तो बुल्ड स्टाइक कहा जाता है मालदीप ईरान को मजलिस कहा जाता है इसराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है जापान के संसद को डाइट कहा जाता है स्वीडन के संसद को रिक्स डॉक कहा जाता है यह था आर आर बी टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिसड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा धन्यवाद